तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, आई होप कि आप सब लोगों ने लियो पिक्चर देख ली होगी, क्योंकि अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो में उस मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होंगे। हम लिटरली उसकी एंडिंग डिस्कस करने वाले हैं और क्या ये मूवी एलसीयू में टेक प्लेस करती है या नहीं, इसके जो भी कनेक्शंस होंगे उन पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। तो लियो भले अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरी ना उतर पाई हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सवाल हमारे मन में छोड़ के चली जाती है। स्पेशली ये काफी धमाकेदार फ्यूचर प्रॉमिस करती है हमको, क्योंकि इसके एंडिंग से और इसके कुछ कुछ मोमेंट्स से हमको ये समझ में आ जाता है कि ये मूवी एक्चुअली एलसीयू में ही टेक प्लेस करती है, जिसका मतलब है कि लोकेश कनकराज का जो यूनिवर्स है, थलापति विजय उसके कैरेक्टर बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लियो मूवी की एंडिंग को समझना जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या। तो बेसिकली लियो मूवी का जो पूरा प्रमाइस था वो इसी चीज पे टिका हुआ था कि थलापति विजय का जो कैरेक्टर है पार्थिबन, क्या वो सच में लियो है भी या नहीं, जो उसके आसपास के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसको प्रूव करने में लगे रहते हैं। तो आखिर में हमें इस बात का कंफर्मेशन मिलता है कि जी हाँ, यही भाई साहब लियो हैं। ये अपने बलि चढ़ाओ पिता संजय दत्त से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक अच्छी खासी लड़ाई झगड़ा होता है, ये पूरी फैक्ट्री में आग लगाने की कोशिश करते हैं और जो इनकी बहन होती है उनकी इस चक्कर में मृत्यु हो जाती है। तो उसी ट्रॉमा को पीछे छोड़ते हुए ये अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर लेते हैं। ना सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया था कि अगर यही बंदा लियो है तो फिर वो जो दो गोलियां लगी थी उसके बाद वो जो डेड बॉडी की बात हो रही थी उसका क्या हुआ, क्योंकि मूवी हमें उस चीज को लेकर कोई भी क्लोजर नहीं प्रोवाइड करती कि आखिरकार लियो उन गोलियों के लगने के बाद वहां से बच के निकला तो निकला कैसे। तो जहां तक मेरा स्पेकुलेशन है तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि लियो को गोलियां मारी गई होंगी और क्योंकि फैक्ट्री में आग लग रही थी तो एंटनी और उसका भाई हैरल्ड दोनों वहां से बाहर निकल गए होंगे, ये सोचकर कि उन्होंने लियो को तो मार ही दिया, अब उसकी डेड बॉडी जलवल जाएगी। और जो लियो के चेले चपाटे थे जो उसके लिए पूरी कहानी बनाते हैं, वो लोग उसकी बॉडी को लेकर वहां से निकल गए होंगे और उन्होंने उस पर पूरा रिपेयर वर्क करके उसकी जान बचा ली होगी। और जब हैरल्ड और एंथनी वापस उस फैक्ट्री में आए होंगे तो उनको लियो की डेड बॉडी नहीं मिली होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये जल के खाक हो गया होगा। लेकिन लियो बचने के बाद अपने रिडेम्पशन पाथ पे निकल पड़ा होगा, उसको रियलाइजेशन हुआ होगा कि उसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और अब उसे सच्चाई के रास्ते पे चलना है, अच्छा इंसान बनना है। और वही चीज वो आखिरी के मोनोलॉग में बोलता भी है कि उसको ये सब कुछ भुलाने के लिए एक फैमिली की जरूरत थी, जो सिर्फ त्रिशा के फॉर्म में मिलती है। और मूवी में एक बार ये चीज भी बताई गई थी कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, वो बताते हैं कि ये दोनों एक ट्रेकिंग ट्रिप पे मिले थे और उसी के दो दिन बाद, सिर्फ 2 days, प्यार हो गया, प्रपोजल हो गया, शादी। जैसे सिगरेट और शराब के टाइम पर नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आ जाता है, वैसे ही इनको यहां पर भी एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए था कि 2 दिन में प्यार, मोहब्बत और विवाह सिर्फ एलसीयू में ही हो सकता है और कहीं नहीं, और गणपत में, वो एक दिन में कर लेता है। नौ मूवी की एंडिंग बहुत ही स्ट्रेट एंड सिंपल थी। वहां पर थलापति विजय का जो कैरेक्टर लियो होता है वो उसके भाई और पिताजी को निपटा देता है, पिताजी को तो पहले ही निपटा देता है, भाई को उसके घर जाकर फैक्ट्री में कन्फेस करके निपटाता है। और ये करने के लिए उसने एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता अपना रखा है और वो ये है कि वो किसी को भी ये नहीं बताएगा कि वो लियो है, क्योंकि वो खुद भी इस बात को नहीं मानता। जब वो खुद ही अपने आप को लेकर ये कन्विंस कर लेगा कि मैं लियो हूं ही नहीं, तो फिर दूसरों के सामने क्या ही कन्फेस करेगा। और इसी वजह से वो अपने पिताजी एंटनी और उसके भाई हैरल्ड के सामने तभी कन्फेस करता है जब उसको ये बात कन्फर्म हो जाती है कि इनकी डेथ अब निश्चिंत है। नाउ ये पूरा खेला खत्म होने के बाद अगर हम इस बारे में बात करें कि आखिरकार इस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या इसको हम यहीं देखेंगे या फिर आगे भी हमें देखने को मिल सकता है, तो देखो जिस तरह से चीजों को सेटअप किया गया है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि मूवी एलसीयू में टेक प्लेस करती है। सबसे पहले वो नेपोलियन पुलिस वाले जी जो हमको कैथी में देखने को मिले थे वो इस पिक्चर में रिटर्न कर लेते हैं। और हालांकि मुझे जितने भी कनेक्शंस थे ये काफी फोर्स्ड फील हुए, क्योंकि इनको अगर आप पिक्चर में ना भी रखो तो पिक्चर अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सामने चीजें रखी गई हैं तो इन पे बात करना भी बनता है। तो सबसे पहले वो जो नेपोलियन है वो अपनी कैथी वाली हिस्ट्री को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता है। हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली में उसके गांव में वही सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कैथी में जो आखिरी में पूरे गन चलाने वाली सीक्वेंस थी, मतलब गैटलिंग गन वाली सीक्वेंस, उसका क्रेडिट इन भाई साहब को मिला, ना कि हमारे दिल्ली को। मतलब पुलिस वालों ने दिल्ली को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से छुपा दी हैं और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब लियो उससे पूछता है कि आखिरकार तूने वो गन चलाई कैसे, तो वो खुद ही कन्फेस कर लेता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो दिल्ली भाई ने चलाई थी। लेकिन व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी वाज कि लियो इसके आगे कुछ कन्वर्सेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करता कि कौन, दिल्ली कहां से आया, कहां गया, नथिंग। अरे भाई अगर पूछना ही था तो पूरी बात पूछ लेते ना कि दिल्ली था कौन, तो हमको और थोड़ी डेप्थ मिलती। दिस इज हाउ यू मेक थिंग्स Not forceful. तो कैथी से इस मूवी का ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। लेकिन फिर इसके आगे हम और भी कई सारी चीजें देखते हैं जो इस पिक्चर को विक्रम से भी कनेक्ट कर देती है। सबसे पहले तो इंटरवल के तुरंत बाद हम विक्रम मूवी में अपियर होने वाली माया कृष्णन के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम एक्चुअली उस मूवी में तो नहीं बताया गया था, लेकिन अगर आप वो ओ आ वाले सीन को याद करोगे तो आपको ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। तो ये लियो के कैफे में आती है और वहां पर ऐसा लगता है कि ये लियो पे नजर रखने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वो कॉफी वॉफी पी के एक मैसेज छोड़ जाती है, प्लेजर इज ऑल माइन करके, एंड
इसके पीछे कोई हिडन डिटेल नहीं है, प्लेजर वाला डिपार्टमेंट ये अच्छे से संभाल सकती है, तो वो ये बता के निकल गई। और तब तक ये बात बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो गई थी कि इस पिक्चर में प्रोबेबली हमें विक्रम का कैमियो देखने को मिल सकता है, जो कि एंडिंग में आता है, या फिर मैं ये बोलूं कि वॉइस कैमियो सुनने को मिलता है, क्योंकि कमल हसन एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में अपीयर नहीं होते, इनके कैरेक्टर को ऐसे मास्क वास्क लगा के दिखाया गया जो फोन पे बात कर रहा है, और हमें ऐसा दिखता है कि वो मल्टीपल मॉनिटर्स के सामने खड़ा हुआ है, और वो लियो से कहता है कि तुमने एक फैक्ट्री तो उड़ा दी, लेकिन ऐसे देश में कई सारी और भी फैक्ट्रीज है जिनको उड़ाना बाकी है। और हमें पता है कि वो किसकी बात कर रहा है, क्योंकि विक्रम में भी वो ड्रग्स के खिलाफ ही अपनी मुहिम छेड़ रहे थे, लेकिन वो ड्रग धतूरा नहीं थी जो हमें इस पिक्चर में दिखाई गई, वो एरिथ्रोजाइलम थी, वो बेसिकली कोकेन थी जो एरिथ्रोजाइलम से बनती है, और ये पूरा का पूरा मोर्चा उसी के खिलाफ खड़ा था। और ये चीज सुनकर लियो बस स्माइल करता है, तो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि उसने विक्रम का जो असाइनमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि नहीं। ना यहां से काफी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। सबसे पहली तो ये कि हम थलापति विजय के लियो को जो एलसीयू के आने वाली मूवीज है उनमें अपीयर होता हुआ देखें। इसके बाद वैसे तो लोकेश कनकराज थलाइवर 171 पे काम कर रहे हैं रजनीकांत के साथ, जिसको उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो एलसीयू में टेक प्लेस नहीं करने वाली है, हालांकि उन्होंने लियो को लेकर भी ऐसे बोला, लेकिन फिर भी आई थिंक ये मूवी एलसीयू से बाहर टेक प्लेस करेगी। लेकिन इसके बाद वो कैथी 2 पे काम करेंगे और प्रोबेबली उसके बाद विक्रम 2 पे भी। तो यहां पर अगर थलापति विजय की डेट्स कोइंसाइड कर जाती हैं और शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों मूवीज में से किसी एक में उनका कैमियो देखने को मिल जाएगा, जिसकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रोलेक्स कि आखिरकार उस कैरेक्टर के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इस पिक्चर में सूर्य की अपीयरेंस को एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि नहीं हुई। तो अब रोलेक्स की अगली अपीयरेंस की पॉसिबिलिटी है कैथी 2 में, जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सिंस कैथी 2 की फिल्मिंग को भी काफी टाइम बाकी है, तो ऐसा हो सकता है कि रोलेक्स के साथ इस स्टोरी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें किसी ना किसी वे में। नहीं तो इतने बड़े विलन को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एस्टैब्लिश करने के बाद आप उसको इतने लंबे टाइम तक अगर छोड़ दोगे तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड वाली चीज होने लगती है, और वो मैं इस कैरेक्टर के साथ होते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं इसको लेकर एक्साइटेड हूं। प्लस ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि हो सकता है लोकेश कनकराज रोलेक्स की सोलो मूवी पर भी काम करें, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आइडिया होगा अगर वो कर लेते हैं तो, क्योंकि रोलेक्स अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जिसको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। लेकिन उतने से स्क्रीन टाइम के बाद भी विक्रम मूवी का नाम लेने पर सबसे पहले हमारे दिमाग में वही इमेज आती है रोलेक्स। हालांकि वर्ल्ड फेमस घड़ी का नाम है जो हर किसी के औकात से बाहर है, लेकिन अगर आप आज की डेट में किसी के भी सामने रोलेक्स का नाम लोगे तो किसी को भी घड़ी नहीं सूर्य की वही इमेज ध्यान में आएगी। तो अगर ऐसे माइंड ब्लोइंग पोटेंशियल वाले कैरेक्टर को आपने इतने टाइम तक आगे यूज नहीं किया तो फिर वो वेस्टेड पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज व्हाई आई थिंक कि हमको कैथी 2 में रोलेक्स की अपीयरेंस देखने को मिलेगी, लेकिन उसी फॉर्म में जैसा कुछ कुछ हमने विक्रम में देखा था, क्योंकि बाय दिस टाइम आई एम वेरी श्योर कि लोकेश कनकराज लेस इज मोर वाली चीज पे काम कर रहे हैं। मतलब जितना कम दिखाएंगे उतना ही ज्यादा लोगों के अंदर मिस्ट्री और इंट्रीग वाला एलिमेंट बिल्ड होगा, और वही रोलेक्स और एलसीयू को लेकर सबसे बड़ी हाइप वाला फैक्टर है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, विक्रम में जब तक रोलेक्स का कैमियो नहीं हुआ था हम लोग उसको लेकर इतने एक्साइटेड नहीं थे। तो जहां तक मेरा सवाल है, तो मुझे इतना लगता है कि थलापति विजय का लियो जो कैथी 2 में ना आकर विक्रम 2 में आएगा तो ज्यादा मेक सेंस करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा रोलेक्स की अपीयरेंस हम लोग कैथी 2 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हां, लियो के पास काफी अच्छा पोटेंशियल था एलसीयू से इसको अच्छी तरह से इंटीग्रेट करने का, जो ये मूवी नहीं करती है, और उसकी जगह हमें ऐसे कनेक्शंस प्रोवाइड करती है जो सुपरफिशियल से फील होते हैं। आई मीन, अगर ये लोग चाहते तो बहुत ही आराम से जो विलन्स थे इनका कहीं ना कहीं रोलेक्स से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते थे, क्योंकि रोलेक्स का भी ड्रग्स का ही धंधा है और इन लोगों का भी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सैडली दोनों चीजें एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थी। बस हम लोग इतना समझ पाए कि एक यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है और थोड़ा सा पोटेंशियल क्रॉसओवर्स की पॉसिबिलिटी को सेटअप कर दिया गया। तो आई होप कि जो एलसीयू की आने वाली मूवीज है वो इतना सुपरफिशियल लेवल पे काम ना करते हुए थोड़े से डीप और इंटरेस्टिंग कनेक्शंस को बिल्ड करें, ताकि ऐसा फील हो कि ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड किया जा रहा है ये किसी एक डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसे बस हवा में नहीं लटका हुआ। लेकिन ये मेरे थॉट्स और ओपिनियंस थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, तो अपने सारी चीजों को कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूंगा। तो जान से पहले फ्लिकवर से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग अपने कनेक्शंस को अच्छी तरह से बिल्ड करना, इस पिक्चर के जैसे नहीं। अब समझ में आया 2 दिन में शादी कैसे हो गई।